यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर शिक्षकों में दिखी खुशी। अब तो प्रदेश के मऊ जनपद से है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च को इस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसके तहत यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाने आदेश के बाद अब बिना मान्यता प्राप्त मदरसे पहले की तरह चलेंगे। आपको बता दें कि 17 लाख छात्रों को इसका असर पड़ता, ऐसे में इतनी संख्या में छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना सही नहीं। ये महीना हमारा सबसे प्यारा महीना रमजान मुबारक का चल रहा है। 22 तारीख को जो है हाईकोर्ट का एक आर्डर आया, जिसमें हमारे मदरसे के एक्ट 2004 में जो बना था उसको रद्द कर दिया गया। उससे बड़ी तशवीश हुई, असातिज़ा बहुत घबराए हुए थे कि आने वाली ईद हमारी कैसी होगी, हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। लेकिन सबको, हम सबको अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, वो रिस्क देने वाला है। इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने मिलजुल करके यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमें राहत मिली और ये हाई कोर्ट के जो आर्डर पे स्टे मिल गया। हाई कोर्ट के फैसले से कितनी समस्या आ रही थी? हाई कोर्ट के फैसले से समस्या तो आपको मालूम ही है, जैसा कि अखबारों में मुस्तकिल आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है कि लगभग 17 लाख बच्चे हमारे मदरसों में पढ़ते हैं, उनकी शिफ्टिंग की बात चल रही थी, वो कहाँ से पॉसिबल है। बहरहाल अगर वो किसी तरीके से मुमकिन होता है, किसी तरीके से सरकार उनको एडजस्ट करती है, जो 10,000 असातिज़ा है हमारे मदरसों में जो वेतन पा रहे हैं वो कहाँ जाते, उनका परिवार कहाँ जाता, जिस पर लगभग 50,000 लोग निर्भर हैं, वो तो रोड पर आ जाते। ऐसा भी हो सकता है कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। जी बहुत राहत देने वाला है। हमारी ईद, अब ईद होगी इंशाल्लाह, और कल जो है हमारा वेतन भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये ईद जैसे हमेशा मनाते थे उसी जोश खरोश के साथ, और सब और दुआ करते हैं कि सब लोग इस ईद के त्यौहार को अमन शांति के साथ मनाने की कोशिश करें। ये संदेश देना चाहेंगे कि ईद जो एक महीने के रमज़ान के बाद रोज़ा रखने के बाद आता है, ये खूब अमन शांति के साथ रहे और हमारा और पूरा साल अमन शांति के साथ गुजरे, हमारा मुल्क आगे तरक्की करे, हम सब देश के लिए काम करें, देश की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए काम करें, हमारा मुल्क सबसे दुनिया में सबसे आगे हो। देश और देशवासियों को यही संदेश देंगे कि मुल्क में अमन रमना बाकी रहे और चैन सुकून रहे, देश तरक्की करे, देश का विकास हो, सभी के जीवन मंगल के काम के लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सभी का जीवन मंगल काम